हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नीलम कुकिंग रेसिपी चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम प्रेशर कुकर में इडली बनाएंगे जो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इडली बनाने के लिए यहाँ पर हम चावल लिए हैं और नापने के लिए ये कटोरी लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं, मेजरिंग कप भी ले सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि चार बार हम चावल लेंगे और उसी बर्तन से एक बार उड़द दाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इस कटोरी से नाप रहे हैं, तो हम चार बार चावल ले लेते हैं। तो ये दो बार ले लिए हैं, दो बार और लेंगे हम चावल। तो एक बार और ले लेंगे, तीन बार हम ले लिए हैं। तो ये देखिए, चार कटोरी हम चावल ले लिए हैं और इसी कटोरी से एक कटोरी उड़द दाल ले लिए हैं। और आप चाहें तो एक छोटी चम्मच इसमें मेथी दाना भी डाल सकते हैं फॉर्मेंट होने के लिए। हम यहाँ पर पोहा लिए हैं, इससे भी अच्छा फॉर्मेंट होता है। तो इसे हम अभी नहीं भिंगोएंगे, चावल पीसने के आधा घंटा पहले इसे भिंगोएंगे और चावल में मिक्स करके बैटर तैयार कर लेंगे। इसे अच्छा फॉर्मेंट होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम चावल और दाल को धो लेते हैं दो तीन पानी। तो यहाँ हम चावल और दाल को धो लिए हैं। अब इसमें हम पानी डालकर 8 से 10 घंटा के लिए ढक कर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा 8 से 10 घंटा हो गया है, तो इसका हम पानी निकाल लिए हैं। और ये पोहा भी भिंगो लिए थे आधा घंटा पहले, इसे भी इसी में मिक्स कर लेंगे और इसका हम इडली के लिए बैटर तैयार करेंगे। तो एक मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें हम चावल डालकर बैटर तैयार करेंगे। दो तीन बार में तैयार करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालते हुए बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बैटर तैयार कर लिए हैं। बैटर का कंसिस्टेंसी हमको ऐसा चाहिए, इसी के हिसाब से पानी डालते हुए सारा चावल हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम सारा चावल पीस लिए हैं, तो स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिला लेंगे और इसे मिक्स करके हम 8 से 10 घंटे के लिए फॉर्मेंट होने के लिए रख देंगे। गर्मी के समय में ये जल्दी फॉर्मेंट हो जाता है, ठंडी में थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। तो ये देखिए, 10 घंटा हो गया है, हमारा बैटर अच्छा फॉर्मेंट हो गया है। तो इसे हम 5 मिनट मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ इस तरह से मिक्स कर लेना है और जितना हमें इडली बनाना है उतना हम बैटर एक दूसरा बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा बर्तन में निकाल लिए हैं। और हमें इडली प्रेशर कुकर में बनाना है, तो सबसे पहले हम 1 से 1.5 कप पानी डालकर प्रेशर कुकर को गैस पर चढ़ा देंगे लो फ्लेम पर, ताकि पानी हमारा गर्म हो उधर, और इधर हम इडली के सांचा में तेल से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से, ताकि इडली हमारा इसमें चिपके नहीं। तो यहाँ पर हम इडली के सांचा में तेल लगाकर ग्रीस कर लिए हैं। अब इसमें हम बैटर डालेंगे। देखिए, इस तरह का कंसिस्टेंसी हमको चाहिए बैटर का। तो इसमें हम डाल लेते हैं बैटर इडली के सांचा में इस तरह से आराम से। थोड़ा सा हम कम ही डालेंगे ताकि फूल जाए अच्छा से इडली हमारा। तो एक के ऊपर एक सांचा को लगाते हुए बैटर डाल लेंगे। तो यहाँ पर हम सारा सांचा में बैटर डाल लिए हैं, तो नब लगाकर इसे हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ देखिए, हमारा पानी गर्म हो गया है, तो इसमें हम इडली का सांचा डाल देते हैं और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, कुकर का सीटी निकाल देंगे और इसे 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। 10 मिनट में हमारा इडली तैयार हो जाता है। तो यहाँ 10 मिनट हो गया है, तो इसे हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए एक हम कांटा चम्मच ले लेंगे, उसी से चेक करेंगे। कांटा चम्मच इसमें हम लगा कर देखेंगे, अगर हमारा कांटा चम्मच एकदम क्लीन निकलेगा, बिल्कुल क्लीन, तो समझिए हमारा इडली तैयार है। तो देखिए, बिल्कुल क्लीन निकला है, तो हमारा इडली तैयार है। तो इसे हम निकाल लेंगे
दो मिनट के बाद इसे हम साँचा से निकालेंगे। देखिए इस तरह से चम्मच के सहायता से हमें इडली को निकाल लेना है। एकदम गर्म इडली हमें नहीं निकालना है, नहीं तो ये बिल्कुल क्लीन नहीं निकलेगा, थोड़ा सा चिपकता है ये, तो दो मिनट के बाद ही निकाले इडली, दो मिनट ठंडा करने के बाद। देखिए कितना बढ़िया इडली बनकर तैयार हुआ है हमारा जालीदार। तो इसी तरह से चम्मच के सहायता से आराम से हम सारा इडली निकाल लेंगे। ये देखिए कितना जालीदार बना है, सॉफ्ट स्पंजी एकदम बना है। तो यहाँ पर हम सारा इडली निकाल लिए हैं, इसे हम सर्व कर लेते हैं मूंगफली की चटनी और सांभर के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया इडली बनकर तैयार हुआ है, स्पंजी, सॉफ्ट, जालीदार। तो एक बार आप भी ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा बना है आपका इडली। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।